हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक मात्रक राशि और उसके मात्रक। इसमें टोटल 38 प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में इससे एक या दो नंबर से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इधर लिखे हैं भौतिक राशि है, इधर उसका मात्रक है। देखिए फर्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। अब विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, तो उसका हो जाएगा ओम। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। अब विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का हो जाएगा महो। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है उष्मा। उष्मा का मात्रक क्या है? तो उष्मा का मात्रक जूल है, लेकिन वो एसआई मात्रक है। तो आपसे पूछा गया है उष्मा का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा कैलोरी। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी हो जाएगा। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम्ब। तापमान, तापमान का मात्रक है सेंटीग्रेड। तापमान का सीजीएस मात्रक है सेंटीग्रेड। ये देखिए सातवां है तापमान का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक इसका केल्विन हो जाएगा। एसआई मात्रक पूछे तापमान का तो केल्विन हो जाएगा, और सीजीएस में मात्रक पूछे तो सेंटीग्रेड, यानी जिसको सी से डोनेट करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। दूरी, दूरी का सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। दूरी का सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस मात्रक में। ध्वनि तीव्रता, तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक है डेसीबल। लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति की मात्रक है डायोप्टर। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बल, बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। अब बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ये न्यूटन है। न्यूटन जो है वो एसआई मात्रक है, और डाइन जिसका मात्रक है वो सीजीएस मात्रक। आपसे अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो डाइन होगा। अब बल का एसआई मात्रक वो न्यूटन हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल है, और चार्ज का भी मात्रक जूल है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय ऊर्जा पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब विद्युत धारिता, विद्युत धारिता जगह फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। और नाभिक की लंबाई, तो ये फर्मी हो जाएगा मात्रक। नाभिक की लंबाई तो फर्मी हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीय प्रेरणा का मात्रक गॉस हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरणा का मात्रक गॉस हो जाएगा। अब प्रेरक्त, प्रेरक्त का मात्रक हो जाएगा हेनरी। प्रेरक्त का मात्रक हेनरी। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल या बेवर। चुंबकीय फ्लक्स का बेवर हो जाएगा या मैक्सवेल। चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक अरेस्टेड। चुंबकीय तीव्रता इसका मात्रक हो जाएगा अरेस्टेड। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्टेज। आवृत्ति का मात्रक हर्टेज हो जाएगा, जिसे एच जेड से डोनेट किया जाता है। एच जेड से हर्टेज। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का वाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा, वाट घंटा या किलो वाट घंटा, ये सब विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। नेक्स्ट है प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक हो जाएगा लक्स। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता, तो इसका मात्रक है फोटोन। प्रकाश की तीव्रता फोटोन। और ज्योति तीव्रता तो कंडेला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कंडेला, तो इसको याद रखेंगे। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। श्यानता, श्यानता का मात्रक हो जाएगा प्याज।
श्यांता का मतलब प्याज हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई, तो ये डब्सन हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई डब्सन में मापा जाता है। और समुद्री चाल, तो समुद्री चाल जो है वो नॉट में मापा जाता है। समुद्री चाल का ही सही मात्रक हो जाएगा नॉट। अगर आपसे पूछे समुद्री गहराई का मात्रक, तो ये जो फैदम, समुद्री गहराई का मात्रक फैदम। अब विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का ये सीमेंस भी होता है। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस। द्रव की प्रवाह, द्रव की प्रवाह का मात्रक है क्यू सेक, द्रव की प्रवाह क्यू सेक। वायुयान की चाल, वायुयान की चाल मैक संख्या, वायुयान की चाल मैक संख्या। चुम्बकीय ध्रुव शक्ति, चुम्बकीय ध्रुव शक्ति एम्पियर मीटर, चुम्बकीय ध्रुव शक्ति का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है चुम्बकीय बल अघूर्ण, चुम्बकीय बल अघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, चुम्बकीय बल अघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर। और चुम्बकीय ध्रुव शक्ति वो एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।